ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया. क्या बोल दिया, पॉइंट पी इज जॉइंट टू एस वन एंड एस टू, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी एस वन एस टू. एस वन एस टू क्या है, फोकस है. ठीक है, इज एन एलिप्स विद इसेंट्रिसिटी रूट टू ई बाय वन प्लस ई, वेर इसेंट्रिसिटी, वेर ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस स्टैंडर्ड एलिप्स. ठीक है, तो चलो पहले बनाते रहते हैं इसको. तो ऐसे कुछ बोल दिया इसने, ठीक है, ऐसे बना दिया. ये यहाँ पर कुछ एलिप्स है ऐसे, ठीक है, कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लो ऐसे पी. ठीक है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर P ले लिया, ये इसको मैंने बोल दिया ये S1 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा. ठीक है, और इसका इन सेंटर मुझे निकालना है. ठीक है, इसका जो इन सेंटर है, इस ट्राइंगल का इन सेंटर, उसका लोकस निकालना है. ठीक है, तो पहली बात तो क्या किया, इसके इन सेंटर को मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, एच कॉमा के बोल दिया. ठीक है, और एक चीज़ याद करो, इन सेंटर कैसे निकालते थे, किसी भी ट्राइंगल में ऐसे निकालते थे. इसका एक फॉर्मूला था, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस, ये होता था सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी. वही सेम चीज़ वाई के लिए करते थे, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस, ये कितना जाएगा, सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई, ये कितना था, ए प्लस बी प्लस सी. इस तरह से कुछ फॉर्मूला होता था. तो ये देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ आता है कि नहीं आता. तो एक एक चीज़ देख लेते हैं. पहले तो पी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ मैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ट्रायंगल को अलग से बना लिया ऐसे. पी के कोऑर्डिनेट्स को ऐसे ले लिया, ए कॉस थीटा, और यहाँ पर ले लिया बी साइन थीटा ले लिया. ठीक है, यहाँ ये जो एस वन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा जीरो हो गया. यहाँ पर ये जो एस टू है, इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस ए ई कॉमा जीरो हो गया. सही है, अब उसके बाद मुझे लेंथ भी निकालनी पड़ेगी. जैसे लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे एक्स वन मैं इसको मानता हूँ, किसको, चलो मैंने इसको बोल दिया एक्स वन. जैसे इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक्स वन वाई वन, तो ए इसके अपोजिट ए कौन सा आ जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी. राइट, तो यहाँ से ये ए कितना होगा, ए किसको बोल रहे हैं, लेंथ को बोल रहे हैं. ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, यहाँ से टू ए ई हो जाएगा. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, किसको बोल रहे हैं, ए अपोजिट लेंथ को बोल रहे हैं. ठीक है, अगर मैंने इसको एक्स वन वाई वन मान रखा है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स को ऐसे ए ले रखा है, ट्रायंगल से हम लोग रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, फिर अगर समझो मैंने इसको बी बोल दिया, तो सामने वाला बी हो जाएगा. तो सामने वाला बी कितना हो जाएगा, पी एस वन, और पी एस वन का लेंथ हमें पता है. इस तरह से कुछ होता है, ए वन माइनस ई कॉस थीटा. अगर नहीं पता तो तुम क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लो. इसको हम लोग बहुत बार लुक चुके हैं. ठीक है, ये क्या है, फोकल डिस्टेंस है. वैसे यहाँ से ये किसके बराबर हो गया, ये बी हो गया. राइट, वैसे यहाँ से ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा. और सी क्या हो जाएगा, वही फोकल डिस्टेंस ही है ये, विद रिस्पेक्ट टू एस टू है. तो यहाँ पर हो जाएगा ए वन प्लस ई कॉस थीटा हो जाएगा. आई होप दिस इज फाइन. ठीक है, वन प्लस ई कॉस थीटा, तो मतलब मुझे कोऑर्डिनेट्स भी पता है, मुझे डिस्टेंस भी पता है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लग सकता है. तो क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में एक एक करके लगाते हैं. पहले h के लिए करते हैं, तो h के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक करके देखो, a यहाँ पर कितना है, 2ae हो गया. सही, ये a है. फिर x1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos थीटा. ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ h के लिए लिख रहे हैं. प्लस फिर उसके बाद में तुम यहाँ पर देख लो, b यूज़ करना है, तो b यहाँ से कितना है, a into 1 minus e cos थीटा. ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स किसके हो जाएंगे, कौन से कोऑर्डिनेट यूज करना है, x2 मतलब ये हो जाएगा. राइट, b के कोऑर्डिनेट्स ये है x2, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ए ई हो गया. ठीक है, वैसे यहाँ पर लिख लिया प्लस, दूसरा वाला यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a 1 माइनस ई, ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा. राइट, 1 प्लस cos थीटा, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए ई हो गया. ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ साइड्स, तो यहाँ से a कितना था, a था यहाँ पर 2 ए ई, प्लस ये कितना हो जाएगा, a 1 माइनस ई cos थीटा, ये जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ए वन प्लस ई कॉस थीटा. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जैसे ऊपर से मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है कि यहाँ पर ए ई कॉमन आ रहा है सब जगह से. ठीक है, इनफैक्ट ए स्क्वायर ई कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या बच जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 2 कॉस थीटा. ठीक है, यहाँ से क्या बच जाएगा, अगर मैंने ए निकाला, ठीक है, ए स्क्वायर ई निकाल दिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 माइनस ई कॉस थीटा बचेगा. और यहाँ पर ये माइनस साइन है, इसलिए इसको कैसे लिख लिया, ई कॉस थीटा माइनस 1. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं. ठीक है, क्या क्या निकल चुका है, ए ई निकल चुका है, और यहाँ से ये a निकल चुका है. ठीक है, तो बस इतना ही बचेगा. ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा प्लस 1 हो गया. ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से देख लो क्या क्या कॉमन आ सकता है. यहाँ से अगर मुझे कॉमन निकालना है, तो एक तो a कॉमन दिख रहा है मुझे. ठीक है, तो मैंने क्या किया, a कॉमन निकाल लिया. यहाँ पर कितना बच गया, 2e हो गया, ये हो जाएगा प्लस 1e cos थीटा हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस e cos थीटा हो गया, मतलब ये कटेगा. ठीक है, तो तुम देख लो यहाँ पर क्या क्या कट रहा है इधर. ठीक है, तो देख लो ये और ये कट गया. ठीक है, और कुछ यहाँ से ये और ये कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं और कुछ यहाँ पर नहीं कट रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा ए ई हो जाएगा, ए कट गया एक जगह से,
तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस ये हो जाएगा 2e cos थीटा हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में देख लो क्या क्या बच गया। डिनोमिनेटर में यहाँ पर पहले तो 2e है और प्लस 2 है। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है, अब तुम और क्या कर सकते हो, फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू, देख लो ऊपर से क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से आ जाएगा 2e, यहाँ से हो जाएगा 2 बाहर आ गया, cos थीटा बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ e प्लस 1 बचा, नीचे भी वही बच रहा है, राइट। यहाँ से भी तुम क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, e प्लस 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से h कितना आ गया, h आ गया यहाँ से ए ई कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा खासा सिंप्लीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एच एस ए ई कॉस थीटा। अब वैसे तुमको क्या करना पड़ेगा, वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई कैसे निकालोगे, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा रब कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वाई निकालना है। वाई निकालना मतलब के निकालना है, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा के, ए देखो ए यहाँ पर कितना था, 2ae था। ठीक है, अब यहाँ पर हम मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना है, वाई कोऑर्डिनेट यूज़ करना है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, उसके बाद में बी यहाँ पर कितना है, ये है ए 1 - e cos थीटा है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा, उसके बाद के दूसरा वाला भी जीरो ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ साइड्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो 2ae आ गया, प्लस ये तो वही के वही आएगा जो पहले इसमें था, जाएगा 1 - e, ये कितना हो गया cos थीटा, प्लस ये हो जाएगा a 1 + e cos थीटा हो गया। तो तुम देख लो यहाँ पर और कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। जैसे ऊपर तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ 2ab sin थीटा बच गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट होगा, जैसे ये और ये वाला कैंसिल आउट हुआ था लास्ट टाइम, और यहाँ से क्या आया था, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट 2a कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा, e प्लस 1 बच गया। तो यहाँ से भी क्या सिंप्लीफाई हो गया, k इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन, यहाँ से कितना हो गया, e प्लस 1 हो गया। तो बस अब तुमको यहाँ पर करना क्या है, साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, उन दोनों को क्या करो, स्क्वायर करके एडअप कर दो। ठीक है, कर सकते हो ये चीज़। तो चलो इसको कर दिया। यहाँ से एच कितना था, एच इज इक्वल्स टू ए ई कॉस थीटा था। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख लिया, के ई प्लस 1 हो गया बाय बी हो गया। यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपॉन ए ई हो गया। ठीक है, और ये ई किसका एसेंट्रिसिटी है, जो इनिशियली इलिप्स ले रखा है, दैट इज स्टैंडर्ड। तो हो सकता है कि ये वाला इक्वेशन भी यूज है, कौन सा, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - b² / a² देखो ऊपर लिख रहे हैं, हो सकता है इसका यूज है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको स्क्वायर करके ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा ई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ए ई का होल स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 1 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो ठीक है, इसको तुम कैसे लिख लो, इसको तुम ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा ए ई का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसको ऐसे लिख लिया के स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिख लिया बी अपॉन ई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो पहली बात तो ये एलिप्स प्रूफ हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें यहाँ पर इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो तुमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को तुम क्या करो, इस पूरे को तुम ए स्क्वायर मान लो, और इस पूरे को तुम क्या मान लो, बी स्क्वायर मान लो, और इससे इसेंट्रिसिटी निकाल लो। तो उससे कैसे निकालोगे तुम, वही हो जाएगा सेम, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - B² अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था तुम्हें, कि यहाँ पर कैपिटल ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर हो गया, और कैपिटल बी स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पर बी अपॉन ई प्लस 1, इसका पूरे का स्क्वायर हो गया। तो इसके लिए जो इसेंट्रिसिटी होगी, उसको भी हमने क्या ले लिया, कैपिटल ई स्क्वायर ले लिया, ये कितना हो जाएगा 1 - B² अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको तुम सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 1 - ये हो जाएगा b² अपॉन, ये हो जाएगा ई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई का होल स्क्वायर हो गया। हमें क्या प्रूफ करना है, कि ए किसके बराबर आ रहा है, रूट 2e अपॉन 1 + e। ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर a और b नहीं दिख रहा। अगर a और b नहीं दिख रहा है, इसका मतलब a और b को सब्स्टिट्यूट किया गया होगा। ठीक है, तो जगह यहाँ पर 1 - इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर आ गया, यहाँ से कितना लिखा ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ से डाल सकते हो, देखो इधर से ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 - e² हो गया। सही है, तो इसको तुम उठा के डाल दो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 - ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना हो गया 1 - e² हो गया। यहाँ पर नीचे क्या लिखा, ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ई प्लस 1 का होल स्क्वायर है।
ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। सो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो तुम देख लो यहाँ पर ये जो लिखा है वन माइनस, इसको कैसे लिख लूंगा मैं, वन माइनस ई लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा वन प्लस ई लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ई प्लस वन का होल स्क्वायर, तो एक, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा वन माइनस, एक एक कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर ये बच जाएगा वन माइनस ई अपॉन, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ई प्लस वन, सही है। अच्छा एक गलती हो गई है, गलती यहाँ पर ये हो गई है, देखो ध्यान दो इधर, कि ये जो साइन थीटा आया था, ठीक है, यहाँ देखो ये जो साइन थीटा आया था इसमें यहाँ पर एक और ई इन्वॉल्व था इधर, ठीक है, ई यहाँ से डिवाइड होगा, देख लो तुम वाली इक्वेशन में, ठीक है, ई डिवाइड होगा, जैसे यहाँ पर ए ई आया था वहाँ पर ई बी आएगा, ऊपर इस तरह से आया था, याद करो इस तरह से लिखा था हमने, हम लोगों ने टू ए ई, यहाँ पर बी साइन थीटा, ठीक है, तो ई नीचे आएगा, ई लिखना हम लोग भूल गए, जो न्यूमरेटर में इधर आया था, ठीक है, नीचे यहाँ पर कैसा आया था, ऐसा कुछ आया था ई ई प्लस वन, यहाँ पर ए आ गया था, ए से ए कैंसिल हो गया था, तो ई लिखना भूल गए, तो ई लिखना भूल गए, तो अब लिख लेते हैं इसको, तो अगर ई यहाँ पर है तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, देखो सब जगह से सही कर रहे हैं, ठीक है, ये ई स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर भी ई आ गया, ठीक है, देख लो यहाँ ई आ गया, तो इधर भी ऊपर ई आ गया, ठीक है, ऊपर ई आने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये भी ई स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी ई स्क्वायर हो गया, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला ई स्क्वायर, देखो ये वाला ई स्क्वायर और ये वाला ई स्क्वायर कट हो जाएगा, राइट, ठीक है, तो इसका मतलब पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला स्क्वायर खत्म हो गया, ये ई स्क्वायर नहीं है, ये वाला स्क्वायर ई स्क्वायर नहीं है, सही कर लिया, ठीक है, इसको करेक्ट कर लिया, थोड़ा सा गलती हो गई, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा वन माइनस ई, और ये कितना हो जाएगा ई प्लस वन, तो इसका तुम एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा ई प्लस वन माइनस वन प्लस ई डिवाइडेड बाई ई प्लस वन, तो यहाँ से ये कितना आ गया टू ई अपॉन ई प्लस वन आ गया, ठीक है, जब तुम रूट लोगे, रूट तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा है, ये पूरा ई स्क्वायर है ना, राइट, रूट लोगे तो तुम्हारे पास ये प्रूफ हो गया, आई होप तुम्हें समझ में आ गया हमने क्या किया, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो करना, हमने क्या किया था, पूरा इन सेंटर निकाला था, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बीच में, ई भूल गए, तो तुमने क्या किया, ई को फिर से लिख लिया, सही कर लेना, तुम सही कर लेना, ठीक है, इसको, और फिर ये प्रूफ तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गया, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या ले लिया, फाइंड द लोकस ऑफ आर इफ इट डिवाइड्स पी एंड क्यू इन अ रेशियो आर R by S, ठीक है, स्मॉल R by S, where P and Q are the corresponding points on ellipse and auxiliary circle, ठीक है, तो पहले तो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या कि एक सर्कल बना लिया, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे कुछ एलिप्स होगा, ठीक है, ऐसे बना लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसने क्या बोल दिया कि P and Q तो यहाँ पर क्या है, corresponding points हैं, तो P वाला पॉइंट क्या होगा, ऐसे बना लिया, ठीक है, इसको P वाला पॉइंट ये होगा, ठीक है, Q वाला पॉइंट क्या होगा, ये होगा, हमें कोऑर्डिनेट्स ही पता है इसके, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ आर इफ इट डिवाइड्स पी एंड क्यू इन अ रेशियो ऑफ आर इज टू एस, ठीक है, तो ऐसे कुछ हो गया, यहाँ पर ये पी हो गया, यहाँ पर ये क्यू हो गया, यहाँ पर ये आर हो गया, इसको कैसे डिवाइड कर रहा है, ये आर डॉट एस, ऐसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसका लोकस निकालना, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमें पता है क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, ये होता है ए कॉस थीटा, और ये होता है यहाँ पर ए साइन थीटा होता है, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए कॉस थीटा हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा बी साइन थीटा हो गया, तो तुम R के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, R को मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, H कॉमा के, यही तो निकालना है, ठीक है, H कॉमा के, तो तुम एक काम करो, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये जो H कॉमा के भले कुछ भी हो जाए, H तो हमेशा सेम ही होगा, मतलब H तो हमेशा क्या होगा, A cos थीटा ही होगा, क्योंकि ऑर्डिनेट है ना ये, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है, तुम Y लिख लो, Y कैसे लिखोगे, K इज इक्वल टू R किसको मल्टीप्लाई करेगा, R Q को जाके मल्टीप्लाई करेगा, समझ में आता है ना, ये वाला जो है मल्टीप्लाई किसको करेगा, क्यू को, तो यहाँ से हो जाएगा आर, ठीक है, ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन आर प्लस एस आ गया, ठीक है, तो तुम देख लो यहाँ से क्या क्या आ रहा है मेरे पास, के इज इक्वल्स टू, यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा आर ए प्लस ये यहाँ से हो गया एस बी, यहाँ से कितना आ गया साइन थीटा आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना है आर प्लस एस हो गया, जिसका मतलब यहाँ से मुझे साइन थीटा मिल गया, साइन थीटा कितना मिल गया, ये हो जाएगा आर प्लस एस, ये के हो गया इधर डिवाइडेड बाय ये कितना है ए आर प्लस एस बी, ठीक है, और कॉस थीटा ऑलरेडी हमें पता है कितना है एच बाय ए है, तो बस इसको क्या करते हैं स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर करके ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आर ए प्लस एस बी, इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया आर बाय एस, इस पूरे का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, ये इसका क्या हो गया लोकस हो गया, आर और एस गिवन है, ए और बी भी क्या होगा गिवन ही है, ठीक है, एलिप्स तो गिवन ही है, तो इसका मतलब ये इसका लोकस हो गया, और इसका ये जो लोकस है ये भी क्या है एक एलिप्स ही दिख रहा है, इसको सही से लिख लेना, एच स्क्वायर को पहले लिख लो
के स्क्वायर को बाद में लिख लो, ठीक है, एक्स और वाई पुट अप कर दो। आई होप ये क्लियर है, ठीक है, इजी क्वेश्चन ही था ये तो,